नमस्कार, मैं अप्रिया, आपका स्वागत है बिहार न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। दिवाली और छठ पूजा पर बिहार में तय समय सीमा के अनुसार ही सुनाई देगी पटाखों के शोर। बिहार में इस बार दिवाली, छठ और न्यू ईयर पे पटाखों के शोर तय समय सीमा में ही सुनाई देगी। राज्य भर में केवल हरित पटाखे ही बनेंगे और बिकेंगे भी। पटाखे चलाने की भी तय समय सीमा होगी। इसके साथ ही पटना, गया और मुजफ्फरपुर में किसी भी तरह के पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह रोक 1 दिसंबर तक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के क्रम में ऐसा किया गया है, जिसके बाद अब दिवाली और गुरु पर्व पर केवल मान्य पटाखों का उपयोग रात 8 बजे से 10 बजे के बीच किया जा सकता है। वहीं छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक ही पटाखे चलेंगे। क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर रात में 11:55 से लेकर के 12:30 बजे यानी सिर्फ 35 मिनट तक ही पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर में 1 दिसंबर तक पूरी तरह से रोक लगाने के साथ ही पूरे बिहार में 125 डेसिबल से कम आवाज वाले पटाखे ही चल सकेंगे। आज से देहरादून और मुजफ्फरपुर के लिए चलेंगी ट्रेनें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, देहरादून से शुक्रवार से 2 ट्रेन फेस्टिवल स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है। इन ट्रेनों के चलने से दिवाली के साथ साथ छठ पर्व मनाने के लिए घर जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे के वाणिज्य निरीक्षक एसके अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि एक ट्रेन देहरादून मुजफ्फरपुर के बीच चलेगी। देहरादून से यह ट्रेन 13, 16 और 19 नवम्बर को चलेगी, जबकि मुजफ्फरपुर से 14, 17 और 20 नवम्बर को चलेगी। देहरादून से यह ट्रेन 3:20 पर चलेगी, जो हरिद्वार, नजीबाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबांकी, गोंडा, गोरखपुर, सिवान, छपरा, हाजीपुर से होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। वापसी में भी यही रूट रहेगा। दूसरी ट्रेनें देहरादून और हावड़ा के बीच चलाई जाएगी। बिहार में मतगणना प्रक्रिया पर विपक्ष के सवाल पर आयोग ने दिया जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर मतगणना की प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रत्याशी द्वारा मांग किए जाने पर मतगणना से जुड़े दस्तावेज और वीडियो फुटेज इत्यादि उपलब्ध करा दिए जाएंगे। श्रीनिवास ने गुरुवार को निर्वाचन विभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के दौरान उक्त बातें कही है। उन्होंने बताया कि 11 विधानसभा क्षेत्रों में 1000 से कम वोटों के अंतर से हार जीत का निर्णय हुआ है। इन सीटों में 4 पर जदयू, 3 पर राजद, 1 पर लोजपा और 1 पर भाजपा, 1 पर सीपीआई और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। इस प्रकार इनमें सभी प्रकार के दल शामिल है। इनमें एकमात्र हिलसा में 12 वोटों से हार जीत का अंतर तय हुआ है। अगले महीने पटना को मिलेगी जाम से मुक्ति। आर ब्लॉक सड़क के हड़ताली मोड़ पर बेली रोड सड़क पर बन रहे ओवरब्रिज तैयार हो चुके हैं। अगले महीने से 6 लेन के शुभारंभ की कवायद भी तेज कर दी गई है। अब इसके अप्रोच पथ को तैयार करने के लिए एजेंसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पटना की महत्वाकांक्षी परियोजना से उत्तर बिहार से आने वाले लोगों को विधानसभा, पटना जंक्शन, एयरपोर्ट पहुंचने में काफी सहूलियत होगी। उन्हें जाम से छुटकारा मिल सकेगा। इसके लिए राजीव नगर और शिवपुरी में फ्लाईओवर तैयार हो चुका है। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में हरियाणा की एजेंसी निर्माण कार्य करा रही है। इसकी निगरानी पथ निर्माण विभाग की एजेंसी बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी कर रहे हैं। इसके साथ ही दीघा और आर ब्लॉक 6 लेन सड़क पर 5 जगह पर बस स्टॉप बनकर तैयार हो गया है। धनतेरस के मौके पर 560 करोड़ का हुआ बंपर कारोबार। कोविड-19 के माहौल की मंदी के बाद धनतेरस पर माता लक्ष्मी की कृपा बाजार पर देखने को मिली। गहने, कार, बाइक, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के शोरूम में रौनक रही। बाजार में लगभग 560 करोड़ का बंपर कारोबार हुआ है। कार के शोरूम में 6 बजे से ही ग्राहक पहुंचने लगे थे। जिन्होंने प्री बुकिंग की थी वो कार लेने के लिए पहुंचे थे। वहीं कई ग्राहकों ने धनतेरस पर गाड़ियों की बुकिंग भी करवाई। राजधानी में 1 करोड़ रुपए की सबसे महंगी कार की भी बिक्री हुई है। हालांकि धनतेरस पर शुभ मुहूर्त को लेकर बाजार में दोपहर के बाद भीड़ बढ़ी तो देर रात तक ग्राहकों से गुलजार बर्तन की दुकान में स्टील के बर्तन की मांग काफी ज्यादा देखने को मिली। 1000 से ज्यादा किस्म के बर्तन मौजूद रहे। इसके अलावा चांदी, पीतल, तांबा के बर्तन खासतौर से शामिल रहे। बिहार विधान परिषद पहुंचे सभी पुराने चेहरे। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के नवल किशोर यादव ने 5वीं बार जीत दर्ज की। वहीं दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मदन मोहन झा लगातार 2री बार विजयी घोषित किए गए हैं, जबकि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रोफेसर संजय सिंह और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से केदार पांडे चुनाव जीत गए हैं। वहीं तिरहुत स्नातक क्षेत्र से देवेश चंद्र ठाकुर जीते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने इस बात की जानकारी दी है। बिहार प्रशासनिक सेवा के कई अफसरों की हुई प्रतिनियुक्ति। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही कोरोना के रोकथाम को लेकर प्रति व्यक्ति बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अफसरों को मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा ही बिहार प्रशासनिक सेवा के आधा दर्जन अफसरों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। सामान्य प्रशासन
प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अफसरों को मुक्त कर दिया गया है, जो कोविड 19 के रोकथाम को लेकर प्रतिनियुक्त किए गए थे। इन अफसरों की सूची में कई एडीएम और सीनियर डिप्टी कलेक्ट्रेट शामिल है, जो वापस अपने ड्यूटी पर लौट आएंगे। कोविड 19 के माहौल में इन्हें पटना, गया, भागलपुर और अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रतिनियुक्त किया गया था। पटना के महावीर मंदिर में हनुमान जयंती पर हुआ ध्वज परिवर्तन। महावीर मंदिर में आज पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जयंती मनाई गई। पूजा सुबह 10:30 बजे हुई है। इसी पूजा के दौरान ध्वज परिवर्तन भी किया गया। आचार्य किशोर कुणाल खुद इस पूजा में बैठे। पूजा के बाद उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में महावीर मंदिर में चल रहे रामचरितमानस पाठ की भी समाप्ति होगी, जो रात 8 बजे इस निमित्त हवन का कार्यक्रम होगा। अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा पर लगाए आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा पर बेईमानी का आरोप लगाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले इन नतीजों से दुखी नजर आ रहे हैं। बिहार में एनडीए को केवल 13,000 से 14,000 वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या तिगड़म लगाई कि सब पलट दिया। अखिलेश यादव ने बीते दिन पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यूपी विधानसभा उपचुनाव पर भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए बड़े से निचले स्तर के अधिकारियों का इस्तेमाल। कोविड-19 की वैक्सीन तो जल्द आएगी ही, भाजपा के खिलाफ भी वैक्सीन जल्द आने वाली है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा चुनाव मैंने कभी नहीं देखा, तेजस्वी जीतते जीतते हार गए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। कांग्रेस ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसके लिए सभी विधायकों को पटना बुला लिया गया था। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे भी शामिल होंगे। प्रवक्ता राजेश राठौर ने बताया कि गुरुवार को पार्टी के सभी विधायक पटना पहुंच गए हैं। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में सभी जुट गए हैं। सदाकत आश्रम में स्थापित गांधी जी की प्रतिमा पर विधायकों ने बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में माल्यार्पण किया। इसके बाद सभी विधायक महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव से भी मिलने उनके आवास पहुंचेंगे। सभी विधायकों को पटना के अलग अलग होटल में ठहराया गया है। पार्टी नेतृत्व में सभी विधायकों के संपर्क में है, जिसके बाद आज बैठक बुलाई गई है। सूत्रों की माने तो एकमात्र बक्सर के विधायक मुन्ना तिवारी पटना नहीं पहुंच पाए हैं, वो विंध्याचल में है। छठ पूजा के बाद धन्यवाद यात्रा निकालेंगे लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान छठ पूजा के बाद धन्यवाद यात्रा निकालने वाले हैं। यात्रा के दौरान वो राज्य के सभी जिलों में जाने वाले हैं, जिसके तहत उन्होंने अपना ऐलान जारी कर दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य के लोगों ने पूरा प्यार, स्नेह और आशीर्वाद लोजपा उम्मीदवारों को दिया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प का सभी ने समर्थन किया है। इसको लेकर उन्होंने राज्यवासियों का आभार प्रकट किया है। चिराग ने कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतरी और लगभग 25 लाख लोगों का पद प्राप्त किया है। धन्यवाद यात्रा के पहले चिराग अपने सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। तीनों चरणों के प्रत्याशियों के साथ अलग अलग बैठक की जाएगी। जदयू सांसद पर लगाए गए गंभीर आरोप। बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम से मतगणना हॉल में जदयू सांसद के उपस्थित रहने के मामले में रिकॉर्डिंग तलब की है, जो कि 12 नवंबर तक मांगे गए थे। भाकपा माले ने 10 नवंबर को राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक शिकायत दर्ज की थी, जिसके तहत भोरे विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के दौरान स्थानीय जदयू सांसद डॉ आलोक कुमार सुमन के मीटिंग हॉल में उपस्थित होने का आरोप लगाया गया था। आवेदन के मुताबिक सांसद काउंटिंग हॉल में घुसे थे और यह कैंडिडेट हैंडबुक के 16.9 का उल्लंघन है। यह फिर से रिकाउंटिंग के लिए एक पुख्ता आधार भी है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुर्गन डी ने डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज से उक्त साक्ष्य मांगे हैं। आखिरी चुनाव वाली बात से फिर पलटे नीतीश। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा हो गई है। वहीं चुनाव परिणाम में एनडीए को बहुमत हाथ लगी है। वहीं चुनाव परिणाम से पहले जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इस चुनाव को आखिरी चुनाव करार दिया था, वहीं अब नीतीश कुमार अपनी ही बात से पलट गए हैं, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि मेरी बात ठीक से सुनिएगा। ऐसा मैं हर चुनाव में बोलता आया हूं कि अंत भला तो सब भला। आपको बता दें, बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपनी आखिरी चुनाव वाली बात पर बने हुए हैं, उसी के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो आप लोगों ने ठीक से नहीं सुना। हम हर अंतिम चुनाव सभा में ये बात बोलते रहे हैं, अंत भला तो सब भला। अगर देखिएगा उसका पीछे का, देखिएगा आगे का, देखिएगा कुल मिलाकर देखिएगा, तब एक बात है। मुंबई एयरपोर्ट पर अवैध सोने और लग्जरी घड़ियों के साथ पकड़े गए कृणाल पांड्या। 5 बार के आईपीएल चैंपियन रह चुके मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या की मुश्किलें बढ़ने वाली है। गुरुवार को दुबई से वापस भारत लौटे कृणाल से मुंबई एयरपोर्ट पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने अवैध सोना लग्जरी घड़ियों को लेकर पूछताछ की। रिपोर्ट में बताया गया है कि कृणाल पांड्या के पास अधिक मात्रा में सोना था। डीआरआई ने अधिक मात्रा में सोना, अन्य कीमती चीज रखने के आरोप में कृणाल पर फाइन लगाया है। अधिकारियों की माने तो पांड्या को गुरुवार शाम 5 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कृणाल ने संयुक्त
अरब अमीरात में खेले गए आईपीएल के 13वें सीजन के दौरान दुबई से बड़ी मात्रा में सोने की चेन खरीदी थी, जो भारतीय कानून के तहत अनुमति की मात्रा से अधिक पाई गई है। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 87 लाख के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 44,878 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 87,28,795 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 547 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,28,688 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 81,15,580 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 484,547 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार दिवाली के मौके पर पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।